अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा CS202 का जो लेक्चर है, इसके अंदर हम आज एक टॉपिक क्लियर करेंगे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज यानी कि XML। सबसे पहले तो आपने इसकी एब्रीवेशन जो है वो लाजमी याद कर लेनी है, उसके बाद इंट्रोडक्शन। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें मोस्टली जो आपको कोड आएगा वो CSS का आएगा, HTML का आएगा। अगर मोस्टली भी बहुत ही कोई इंपॉर्टेंट आ गया ना, तो जब हम लोग AJAX पढ़ रहे हैं, AJAX में से या फिर jQuery में से कोई ऑब्जेक्ट वगैरह का पूछ लेंगे, इसके अलावा वो कुछ नहीं देगा। बहुत सारे पेपर भी जो बच्चों के हो गए हैं CS202 के, उनमें से जो है वो उन्होंने मोस्टली क्वेश्चन जो दिए हुए थे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे, ठीक है। यानी कि उन्होंने कोड लिखा हुआ दिया था तो आपने उसका आउटपुट बताना था, और CSS के जरिए आपने जो है ना उनको फॉर्म कोई बना के दिखाना था, या फिर बैकग्राउंड लगा के दिखाना था, या शेडो निकाल के दिखानी थी। तो मोस्टली जो था वो आपने मिड टर्म के अगर CSS के और HTML के लेक्चर देखे हैं तो आपका जो है इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके अलावा HTML5 में और CSS3 में कोई इतने खास चेंजेस नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, ठीक है। बस उसका थ्योरेटिकल कुछ होगा जो अलग होगा, बाकी सब कुछ वैसा ही है। तो अब एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज को हम देखते हैं। XML के साथ ये काफ़ी जो है ना वो रिसेंबल करती है, यानी कि बहुत सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम है, लेकिन बात यह है कि XML जो है वो स्ट्रिक्ट है, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं जो कि HTML में नहीं है, ठीक है। तो वो कैसी हैं, और ये क्वेश्चन भी आता है कि XML और HTML में क्या फ़र्क है, इनके अंदर डिफरेंसेस के पॉइंट्स दिखें, तो आपने ये भी कर लेना है, ये शायद एंड पे जो है ना हम टॉपिक को देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में वो लिखता है कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट डिफाइंस अ सेट ऑफ रूल्स फॉर इनकोडिंग डॉक्यूमेंट्स इन अ फॉर्मेट विच इज़ बहुत ह्यूमन रीडेबल एंड मशीन रीडेबल। यानी कि क्या करता है कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन क्या करता है कि ये इनकोड करना है डॉक्यूमेंट्स को एक ऐसे फॉर्मेट के अंदर जो ह्यूमन रीडेबल भी है, यानी कि हम लोग भी इसको पढ़ सकते हैं, और जो मशीन है उसकी लैंग्वेज भी जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकती है। उसके बाद XML के कुछ फीचर्स हैं, ठीक है। इतने ज़्यादा जो है ये पढ़ाया तो मेरा जो है टाइम वो काफ़ी ज़्यादा इसमें लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो इजी है, ठीक है। आगे भी अगर हमने सारा लेक्चर पढ़ के आप इसको एक रिवाइज करेंगे तो आपको जो है ना इन सारे पॉइंट्स की समझ आ जाएगी। इसमें से आपने मोस्टली कोई 5 पॉइंट्स जो है वो याद कर लेने हैं, इससे ज़्यादा वो पॉइंट्स पूछते ही नहीं है। तो हमारा टॉपिक है XML यूसेज। तो हाउ कैन XML बी यूज, वो कहता है कि XML लैंग्वेज इज यूज टू मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ वेब डेवलपमेंट, इज ऑफन यूज टू सेपरेट डाटा फ्रॉम प्रेजेंटेशन। यानी कि हम इसको सेपरेट डाटा फ्रॉम प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं। अब सेपरेट डाटा फ्रॉम प्रेजेंटेशन है क्या, ये देखें तो वो लिखता है कि XML डज नॉट कैरी इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डिस्प्ले। यानी कि XML का ये काम है ही नहीं कि वो डिस्प्ले करे प्रेजेंटेशन या फिर डाटा या जो भी डॉक्यूमेंट है। वो कहता है कि XML जो है इसलिए यूज होता है कि हम लोग उसके अंदर डाटा स्टोर करते हैं, कि उसने अगले टॉपिक में लिखा है, मैंने अभी बोल दिया, लेकिन वो कहता है कैन बी यूज इन मैनी डिफरेंट प्रेजेंटेशन सिनेरियोज। अब वो डिफरेंट सिनेरियोज क्या हैं, तो वो कहता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ HTML इन मैनी HTML एप्लीकेशन XML इज यूज टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट डाटा, ठीक है। ये एक MCQ भी हो सकता है, तो आपने इसको लाजमी देख लेना है कि ये किस लिए यूज़ हो रहा है, स्टोर करने के लिए डाटा को और ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वाइल HTML इज यूज टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले द डाटा, तो वो कहता है कि वो सेम डाटा जो है वो XML जो है वो उसको स्टोर कर रहा है और उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, और जो HTML है उसको डिस्प्ले कर रहा है स्क्रीन के ऊपर। क्योंकि हमने जब H1 का टैग देखा था तो देखें H1 का टैग यूज़ हुआ था ना, तो फिर हमारी स्क्रीन के ऊपर H1 या फिर जो भी हम लिखते थे वो डिस्प्ले हो जाता था। तो HTML जो है वो बताता है कि स्क्रीन पर क्या होगा, CSS डिज़ाइन करता है, और XML क्या कर रहा है, उसको स्टोर कर रहा है। व्हेन डिस्प्लेइंग द डाटा इन HTML यू शुड नॉट हैव टू एडिट द HTML फाइल When the data changes, यानी कि you should not have to edit, आपको edit नहीं करनी चाहिए क्या HTML files। Then क्या कह रहा है कि वो the data can be stored in separate XML file, कि हम जो है ना XML की अलग से separate file, जैसे हमने CSS की external file बनाई थी, वैसे आप XML की बना के उसके अंदर data store कर सकते हैं। अब वो कहता है कि किस लिए हम लोग डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं, स्टॉक्स एंड शेयर्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, वेदर सर्विसेज एटसेट्रा। अब आती है कि HTML ट्री, यानी कि इसका हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, और वो क्या कहता है कि इसके अंदर जो है मस्ट कंटेन अ रूट एलिमेंट, यानी कि एक रूट एलिमेंट XML के अंदर लाजमी होगा, और उसके बाद इसके अंदर सब एलिमेंट्स होंगे जिसके अंदर टेक्स्ट और एट्रीब्यूट्स भी कंटेन कर सकता है वो। उसके बाद कहता है कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट एट द रूट, रूट से ही स्टार्ट होता है, और ब्रांचेज आर द लोएस्ट लेवल ऑफ द एलिमेंट्स, यानी कि उसकी जो ब्रांचेज हैं वो लोएस्ट हैं। उसके बाद ट्री होती क्या है, द डॉक्यूमेंट कैन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर एंड द कॉन्सेप्चुअल इंटरप्रेटेड एज अ ट्री स्ट्रक्चर इज कॉल्ड XML ट्री। तो ये ट्री जो है वो ऐसा शो होती है, लेकिन जो उसकी कोडिंग है वो रूट है सबसे पहले, फिर रूट के अंदर चाइल्ड और चाइल्ड के अंदर सब चाइल्ड है। तो ये आपने याद रखना है, ये पूछेगा नहीं, लेकिन MCQ के बारे में जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है XML टैग्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि ये केस सेंसिटिव है, यानी कि जो अगर कैपिटल में अगर आपने नेम लिखा हुआ है और अगर आपने स्मॉल टैग में नेम लिखा हुआ है, तो ये दोनों डिफरेंट टैग्स हैं, ये दोनों सेम जो है मेथड इन दोनों की वर्किंग का नहीं होगा। XML मस्ट भी प्रॉपरली नेस्टेड,
प्रॉपरली नेस्टेड, अगर आप HTML अब यूज़ करते थे ना तो HTML के अंदर आगे पीछे हो भी जाता था तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन वो कहता है कि XML के अंदर अगर आपने बोल्ड टैग यूज़ किया उसके अंदर आपने इटैलिक टैग यूज़ किया, जैसे इसने यहाँ पे किया है कि बोल्ड टैग है, तो अगर आपने बोल्ड टैग को यूज़ किया है, ये बोल्ड टैग्स हैं ठीक है, तो इसके अंदर इटैलिक टैग्स हैं, अगर आप ऊपर देखें तो उससे पहले बोल्ड टैग फिर इटैलिक टैग, पहले बोल्ड को बंद कर दिया फिर इटैलिक को एंड किए, तो कहते हैं कि HTML के अंदर ये ट्रू हो सकता है लेकिन इसके अंदर जो है ये गलत हो जाना था XML के अंदर, तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इनको ठीक तरह से लिखना है, जैसे इसने नीचे ठीक लिखे मैंने वैसे क्रॉस लगा दिया था, तो ये जो है ना वो ठीक है, यानी कि बोल्ड टैग बाद में बंद हुआ और इटैलिक्स, आपने इस चीज़ का खास तौर पर ख्याल रखना है क्योंकि ये MCQ पूछ सकते हैं या आपको खराब किया हुआ कोड देगा कि इसको जो है ना XML के हिसाब से ठीक कर दें। उसके बाद XML एट्रीब्यूट्स वैल्यू मस्ट बी कोटेड, जैसे कि हम लोग वहाँ पे एट्रीब्यूट्स देखते रहे थे, वैल्यू देखी थी हमने, या फिर जब हम लोग स्टाइल लगाते थे तो साइड पे हमें जो है ना वो दो कोटेशन मार्क्स नज़र आ जाते थे उसके अंदर हम लिखते थे, तो HTML के अंदर अगर आप एट्रीब्यूट्स ये नहीं लगाते तो भी ठीक है, लेकिन अगर XML के अंदर नहीं लगाते तो ये गलत हो जाएगा, तो कहता है कि मस्ट आपने कोट्स लगाने हैं। उसके बाद है एंट्री रेफरेंसेस इनसाइड जो है ना लेस देन एन XML एलिमेंट विल बी जनरेट एन एरर, तो ये आपने जो है ना खासतौर पर ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हैं जनरेट कर देगा एरर को। ये उसने कुछ जो है ना साइंस बताए हुए हैं रेफरेंसेज एंटिटी रेफरेंसेज हैं ठीक है, देर आर 5 प्री डिफाइंड रेफरेंस एंटिटीज इन XML, तो आपने इसको जो है लाजमी तौर पर कर लेना है। अब इसमें इतना मुश्किल कुछ नहीं है, ये देखें कि ये लेस देन ग्रेटर देन उसके बाद ये एंड और ये एपोस्ट्रॉफी उसके बाद कोटेशन मार्क्स, तो इनके बारे में इन्होंने थोड़े से जो है ना लिंक्स लिखे हुए हैं और इनके थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है, तो आपने इस कोड को याद कर लेना है और ये पेपर में पूछ सकता है ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है या लॉन्ग भी हो सकता है, वो आपसे पूछ सकता है। ये 5 इसकी प्री डिफाइंड है एंटिटीज़, वो आपने याद करनी है। उसके बाद वाइट स्पेस इज़ प्रिजर्व्ड, जैसे कि HTML के अंदर हमें एक ही स्पेस अलाउ होती थी, अगर हम ज़्यादा स्पेस रखते थे तो वो सारी डिलीट करके एक रो रखता था, अगर आपको ज़्यादा रखनी होती थी तो आप NBSP जो है वो टैग यूज़ करते थे, सॉरी उसका कोड यूज़ करते थे। तो यहाँ पे भी कहता है कि XML डज नॉट ट्रंकेट मल्टीपल वाइट स्पेसेस इन अ डॉक्यूमेंट, यानी कि XML के अंदर भी ये अलाउ नहीं है, लेकिन ये न्यू लाइंस SLF जो है उसको सेव करता है। इसके बारे में ये यूनिक्स और मैक्स यूजेस LF करती हैं, ओल्ड मैक सिस्टम CR कर रहा है और XML स्टोर्स अ न्यू फाइल लाइन एज LF, तो आपने जो है इसको याद कर लेना, MCQ आ सकता है। उसके बाद XML एलिमेंट्स क्या होते हैं, एज सेम ये HTML की तरह का, यह एन HTML एलिमेंट XML एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द एलिमेंट स्टार्ट टैग, यानी कि उसके अंदर एक स्टार्ट टैग है, टू इंक्लूडिंग द एंडिंग टैग, यानी कि उसके अंदर एक एंडिंग का भी टैग जो है वो मौजूद है। उसके बाद कंटेन अदर एलिमेंट्स टेक्स्ट और एट्रीब्यूट्स, तो ये सेम XML जो है वो HTML की डेफिनेशन दिखा रहा है एलिमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ रहा है MTXML एलिमेंट्स। MTXML एलिमेंट्स HTML के MT एलिमेंट्स से बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी कि MT एलिमेंट्स वो हैं जिनके अंदर हम कुछ लिखते नहीं हैं, यानी कि हमने एंडिंग टैग और स्टार्ट टैग दोनों को लिख दिया, उनके दरमियान में हमने जो है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये सेम हो गया। उसके बाद XML नेमिंग रूल्स हैं, नेमिंग रूल्स में क्या है कि जो XML है ये केस सेंसिटिव है, यानी कि जैसे उसने रूल्स बताए हैं हर चीज़ वैसी होनी चाहिए, जो बड़ा वर्ड लिखना है जो कैपिटल लिखना है वो कैपिटल हो, जो स्मॉल लिखना है वो स्मॉल हो, आप अपनी मर्जी से कोड को जो है ना वो चेंज नहीं कर सकते। HTML के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप उसको यूज़ कर सकते थे। उसके बाद आता है कि मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि आपने जो भी यूज़ करना है वो एक लेटर और अंडरस्कोर से यूज़ हो, आप कोई नंबर यूज़ नहीं कर सकते, कोई साइन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। देन cannot start with a letter XML, XML का वर्ड आप यूज़ ही नहीं कर सकते अपने कोड के अंदर, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो या मिड में कोई स्मॉल लेटर आप यूज़ कर लें। उसके बाद वो कहता है कि कैन कंटेन लेटर्स डिजिट्स hyphens, underscores एंड periods, यानी कि इन चीज़ों को जो है ना वो कंटेन कर सकते हैं। उसके बाद कैन नॉट कंटेन स्पेसिस, यानी कि इसके अंदर स्पेसिस जो है वो आप नहीं रख सकते, ये हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। देन आगे चलते हैं कि हमारा अगला टॉपिक क्या है, आगे वो कह रहा है कि XML एलिमेंट्स आर एक्सटेंसिबल, XML एलिमेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू कैरी मोर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आप इसके अंदर मोर इन्फॉर्मेशन जो रख सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि अब आप कोई मेल भेजते हैं, अगर वीडियो को नीचे एंड पे आपको नजर आ रहा होता है कि टू आपने जिसको भेजी है फ्रॉम, यानी कि आपकी तरफ से जा रही है, और उसके बाद उसके अंदर जो भी बॉडी होती है, तो जब भी आप मेल लिख रहे होते हैं तो आपसे पहले पूछता है कि टू, फिर वो हम उसने लिखा हुआ है कि कामरान को हमने मैसेज भेजना है फ्रॉम, यानी कि अगर मैं भेज रही हूँ या फिर फैसल भेज रहा है तो उसका नाम क्या है फैसल, देन जो बॉडी है उसके अंदर आपने जो भी लिखना है और उसके बाद आप उसको सेंड कर देते हैं ठीक है। तो उसके बाद एक और इसने बताया हुआ है कि उसके एंड पे जो आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, डेट दे सकते हैं, तो ये सारा कुछ है। उसके बाद XML इज एक्सटेंसिबल, वन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ XML इट कैन बी एक्सटेंडेड विदाउट ब्रेकिंग एप्लीकेशंस, यानी कि एप्लीकेशन को ब्रेक किए बगैर जो है XML जो है एक्सटेंड की जा सकती है। देन जो XML के एट्रीब्यूट्स हैं एज सेम जैसे कि HTML के थे, और एट्रीब्यूट्स मस्ट बी कोटेड होने चाहिए, ये हम पढ़ रहे हैं।
और इसमें जो है ना सेम चीज़ें जो है ना उसने रिपीट की हुई हैं. अवॉइड एक्सएमएल एट्रीब्यूट्स, अवॉइड क्यों करने चाहिए, एट्रीब्यूट्स कैन नॉट कंटेन मल्टीपल लैंग्वेजेस. यानी कि जैसे हम स्टाइल कर रहे थे ना, तो स्टाइल के अंदर हम लोग बैकग्राउंड भी डाल रहे थे, उसके अंदर उसका साइज़ वगैरह सब कुछ एक साथ इंक्रीज कर रहे थे. तो वो कहता है कि जो एक्सएमएल है इसके अंदर आप नहीं मल्टीपल लैंग्वेज जो है ना सॉरी वैल्यूज को यूज़ कर सकते. एट्रीब्यूट्स कैन नॉट कंटेन ट्री स्ट्रक्चर, जो एट्रीब्यूट्स हैं उनका ट्री स्ट्रक्चर नहीं हो सकता. वैसे आप ट्री स्ट्रक्चर एक्सएमएल में बना सकते हैं, लेकिन जो है उसके एट्रीब्यूट्स जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते. एट्रीब्यूट्स आर नॉट ईजिली एक्सपेंडेबल फॉर फ्यूचर चेंजेस, यानी कि फ्यूचर में अगर आपने कोई चेंज करना है तो इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ईजिली एक्सपेंडेबल नहीं होंगे. देन एक्सएमएल नेम स्पेसिस एंड नेम कन्फ्लिक्ट, नेम कन्फ्लिक्ट हम ऊपर देख के आए हुए थे, तो ये सेम वैसा ही नेम कन्फ्लिक्ट है. तो इसके अंदर आता है इन एक्सएमएल नेम्स एलिमेंट्स नेम्स आर डिफाइंड बाय द डेवलपर, यानी कि डिवेलपर जो है वो एक्सएमएल के नेम्स बताता है. दिस ऑफन रिजल्ट्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट व्हेन ट्राइंग टू मेक एक्सएमएल डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट एक्सएमएल एप्लीकेशंस. जबकि ऊपर ऐसे था कि आप कॉन्फ्लिक्ट का जो था वो कीवर्ड यूज़ कर सकते थे और उसके बाद अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते थे, ठीक है. लेकिन ये कहता है कि एक्सएमएल में ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो है डिवेलपर ने अपने नाम रखे हुए हैं. उसके बाद आता है XML DTD. DTD क्या है? डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन, ठीक है. इट डिफाइंस लीगल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन XML डॉक्यूमेंट. देन वो कहता है कि एन XML डॉक्यूमेंट विद करेक्ट सिंटैक्स इज कॉल्ड वेल फॉर्म्ड, यानी कि अगर वो ठीक तरह से बना है सिंटैक्स के साथ सॉरी बना है तो वो वेल फॉर्म्ड है. एन XML डॉक्यूमेंट वैलिडेटेड अगेंस्ट आर DTD इज वेल फॉर्म्ड एंड वैलिड. तो ये जरा मुश्किल नहीं था, दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं. तो ये वैसे हो सकता है पूछ ले. अब वाई DTD, तो वो कहता है इंडिपेंडेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल कैन एग्री ऑन स्टैंडर्ड ऑफ इंटरचेंजिंग डाटा, यानी कि डाटा इंटरचेंज करने पे जो है बहुत से लोग जो है वो एग्री कर गए थे. और विद द DTD यू कैन वेरीफाई द डाटा यू रिसीव फ्रॉम अ अननोन सोर्स इज वैलिड, यानी कि जिसको हम नहीं जानते हैं उससे डाटा जो है रिसीव कर सकते हैं, वो इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि ये वैलिड है. उसके बाद आगे चलते हैं. तो XML स्कीमा यूज़ XML सिंटेक्स, यानी कि जो XML के स्कीमाज हैं वो XML सिंटेक्स यूज़ करते हैं. तो इसके बारे में वो लिखता है यू डोंट हैव टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, कि अगर आपने XML स्कीमा को यूज़ करना है तो आपको कोई न्यू लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है. यू कैन यूज़ XML एडिटर टू एडिट योर स्कीमा फाइल्स. उसके बाद यू कैन यूज़ XML पार्सर टू पार्स योर स्कीमा फाइल्स, और यू कैन मैनिपुलेट योर स्कीमा विद द XML डोम, और उसके बाद यू कैन ट्रांसफॉर्म योर स्कीमा विद XLT सॉरी. तो अब ये क्या होता है XSLT, तो इसके बारे में वो लिखता है कि ये एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन. ये आपने इसकी डेफिनेशन लाजमी करनी है और जो इसकी एब्रीवेशन है वो भी आपने देख लेनी है. इज़ द रिकमेंडेड स्टाइल शीट लैंग्वेज फॉर XML, जैसे CSS HTML के लिए थी, XML के लिए जो है अब ये जो स्टाइल शीट है वो यूज़ होती है. और कहता है कि यूज़ एक्स पाथ फाइंड इन्फॉर्मेशन इन XML डॉक्यूमेंट विद XSLT. You can add, remove elements and attributes to your form from the output files. तो यानी कि इसको यूज़ करते हुए जो है हम एट्रीब्यूट्स को भी रेज कर सकते हैं, जबकि पीछे क्या था कि इसके अंदर हम लोग जो है ना वो कोई भी चेंज नहीं कर सकते थे फ्यूचर में. उसके बाद क्या कहता है XPath, क्या है कि XPath जो है इज़ अ लैंग्वेज ऑफ फाइंडिंग इन्फॉर्मेशन इन XML डॉक्यूमेंट. जैसे कि हम कंट्रोल F करके ढूंढते हैं ना, तो इसमें जो XPath है वो भी जो है ना एक ऐसी लैंग्वेज है उस जो यूज़ करते हुए हम XML डॉक्यूमेंट में से कोई भी जो चीज़ है ना उसको फाइंड कर सकते हैं. तो इसके बारे में उसने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप लोग जो है ना खुद इसको स्टडी कर लिएगा. उसके बाद ये जो है ये जो टेबल्स हैं इन टेबल्स को आपने बस एक बार देख लेना है, लेकिन ये उम्मीद नहीं है कि आएंगे. तो जो जेसन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे. टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़.